गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 82, ठीक है ना, जो 8 तारीख की आपकी वर्कशीट है, 8 अक्टूबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। ये बच्चों 6th क्लास से 6th क्लास टू 8th क्लास की वर्कशीट है। ये कॉमन वर्कशीट है जो तीनों क्लास के लिए आती है, ठीक है बच्चे। अब क्या है, हमें यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे हमें अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। चलो अब हम आज की वर्कशीट पढ़ते हैं। बेटा वर्कशीट पढ़ने से पहले प्लीज़ आप, अगर आपने मेरा चैनल और आपका अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है SR लर्निंग, तो प्लीज़ जाके उसको सब्सक्राइब करके आइए, ठीक है बच्चों। चलो अब हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि क्या आप जानते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, क्या आप जानते हैं, ठीक है ना। आपका शरीर सक्रिय है, मतलब आपका शरीर जो एक्टिव है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। मतलब क्या है, आपका जो शरीर है वो क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है और आसपास की कुछ भी जो चेंजेस होते हैं, कुछ भी परिवर्तन होता है उसके प्रति वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्शन दिखाता है। आप जैसे आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं, जैसे आपके कान जो है कुछ भी अगर साउंड है, कुछ भी ध्वनि है उसके बारे में बताते हैं। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है। आपकी आँखें आपको प्रकाश के बारे में बताती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होती हैं हमारी 5, ठीक है ना। जब आप किसी वस्तु चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस करती है। जब आप किसी को छू रहे हैं, ठीक है ना, वस्तु को, तो क्या है, आपकी त्वचा जो है उसको महसूस करती है कि वो खुरदरी है या चिकनी है, मतलब मुलायम है बिल्कुल, या खुरदरी है, गर्म है या ठंडी है, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा कि हमारी जो सेंसेस होती है, हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती है, हमको हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे वातावरण के बारे में हमको बताती है, ठीक है ना। अब एक क्रियाकलाप है, ये वाला हमारा क्रियाकलाप है, ठीक है ना। क्या है, सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है, जो ये मेज है सोनिया को कैसे पता लगेगा कि इस पर क्या रखा है। तो इसके लिए क्या करना है, प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलान वाली रेखा खींचे जो उसके समझ सके। मतलब आपको क्या है, रेखा से बताना है कि वो क्या कर रही है। जैसे ये जो खाना है वो क्या करेगी, खाने को, इस खाने को क्या करेगी, वो जीभ से क्या है, टेस्ट करेगी, वो क्या करेगी, टेस्ट करेगी। देखो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जीभ से क्या, वो स्वाद लेगी, वो स्वाद का बताएगी, ठीक है ना। ये कह रहेगी टंग से लेगी, मतलब जीभ से, जो ये बैल है, जो ये घंटी है, वो किससे सुनेगी, वो सुनेगी कान से। जो ये फ्लावर है, ये जो फूल है, वो किससे सूंघेगी, अपनी नोज से, अपनी नाक से। और जो ये चाबी है, ये किससे फील करेगी, अपनी हाथ से, मतलब अपनी स्किन से टच करेगी। एक बार और दोबारा बना लेते हैं इसका, देखो क्या है, अपना जो खाना है किससे करेगी, टंग से, जीभ से। जो ये बैल है किससे सुनेगी, कान से। जो ये फ्लावर की खुशबू है, फूलों की खुशबू है, वो किस नोज से सुनेगी, और ये किससे सुनेगी, टंग से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, सोनिया अपनी किस इंद्रिय का उपयोग नहीं कर रही, किस इंद्रिय का उपयोग नहीं कर रही, आँख का, किसका नहीं कर रही, आँख का, आँख, इसे क्या बोलते हैं, आइस का, किसका यूज़ नहीं कर रही, वो आँख का, इसका यूज़ नहीं कर रही, आँख का। क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि उसकी आँख पे जो है ये पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वो अपनी आँखों का यूज़ नहीं कर रही है, प्रयोग नहीं कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर कोई दोस्त आपको आँख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाता है, जैसे आपको ऐसे कि आपके दोस्त ने आपको आँख पर पट्टी बांध दी और आपको चीज़ें वस्तु पकड़ाता है, तो आपकी स्पर्श की इंद्रियाँ उन्हें कैसे पहचानती हैं, तो आपकी जो स्पर्श की इंद्रियाँ, मतलब आपकी स्किन जो है, त्वचा जो है, वो कैसे पहचानेगी। क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है, तो बच्चे ये मैंने आपका क्वेश्चन जो है ये लिख रखा है, अब इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या है, देखो मेरी जो स्पर्श की इंद्रियां हैं, ठीक है ना, मेरी जो स्पर्श की इंद्रियां हैं, मेरी स्पर्श की इंद्रियां वस्तु को उसके आकार, मतलब उसका आकार क्या है, जिसको हम साइज बोलते हैं, उसकी माप क्या है, कठोर, मतलब कठोरता क्या है, मतलब वो कठोर है कि मुलायम है, कोमल है, मतलब, और वस्तु के गर्म या ठंडी होने से पहचानती है, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे, अगर मेरे आँख पे पट्टी बंधी होगी तो मैं कैसे पहचानूंगी भाई कोई चीज़ क्या है, उसका मैं देखूंगी कि उसकी आकार क्या है, उसकी माप क्या है, वो कठोर है कि नहीं है, वो कोमल है कि नहीं है, और वही वो गर्म लग रहा है कि मुझे ठंडा लग रहा है, तो वो मुझे ऐसे पहचानेगी, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है उस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट क्या बेटा दूसरे क्वेश्चन का, देखो ये वाला क्या है, क्या आपने अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ किया है। जैसे
सुनने के लिए कान, भाई हम कुछ सुनने के लिए क्या यूज़ करते हैं, अपने कान। सूंघने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, नाक। स्पर्श के लिए त्वचा, और स्वाद के लिए जीभ। ठीक है ना, तो ये हमारा बच्चे का आंसर है। आप अपने ये वाला आंसर इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको आराम से देख लो और इसको कर लेना। चलो बच्चों, ये हमारी आज की, ठीक है ना, 8 अक्टूबर की वर्कशीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप जाके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा जो चैनल है ना, वो 3rd क्लास से 10th क्लास की वर्कशीट रोज़ डालता है, रोज़ डालने की प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा बनाने का वो रोज़ प्रयास कर रहा है। जब लेकिन अगर आपको कुछ कमी दिख रही है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बच्चे, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी वर्कशीट के समझने में, या जो चल रही है हमारी वो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे दूसरी अपनी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहो बच्चों।